उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से मासूम बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। शव को एक कमरे में बोरे में बंद कर छिपा दिया गया था। मासूम गांव के प्राथमिक विद्यालय की पहली कक्षा में पढ़ती थी। रोज की तरह वह मंगलवार को भी स्कूल गई थी, लेकिन दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच जब वह वापस नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। घर वालों की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की। पुलिस ने जब खोजबीन शुरू की तो आम के बाग में बने एक कमरे में बोरे में बंद बच्ची का शव मिला था और उसके शरीर पर चोटों के निशान मिले थे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सीओ बिंदकी पशुराम त्रिपाठी ने बताया कि मासूम की हत्या के मामले में पीएम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है और शरीर में कई चोट के निशान भी मिले हैं। घटना के खुलासे के लिए 3 टीमें गठित की गई थी। प्रयागराज से डॉग स्क्वाड टीम घटनास्थल पर पहुंची, संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।